अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि दूध सोयों की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसमें सबसे पहले मैं 1.5 किलो दूध यूज़ कर रही हूँ। एक छोटी प्लेट शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और ऐड कर सकते हैं। थोड़े से बादाम, थोड़ी सी गिरी, 2 इलायची। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी दूध सोयियाँ बनाने का तरीका। यहाँ मैं उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसमें मैं 1 बड़ा जग दूध यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध है। 1 प्लेट इसमें मैं सोयियाँ यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने हाथों से तोड़ लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस नहीं किए हैं इसके मैंने। 1 छोटी प्लेट मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट इसमें और शुगर ऐड कर सकते हैं। 1 प्लेट मैं इसमें बादाम, थोड़ी सी गिरी और 2 इलायची के दाने। एक बर्तन लूँगी मैं, उसके अंदर मैं ये सारा दूध ऐड कर दूँगी। इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। हाई फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर सोयियाँ ऐड कर देंगे। आप अगर 5 मिनट के बाद दूध बॉयल होना शुरू हो गया, अब मैं इसके नीचे लो फ्लेम कर दूँगी और ये 2 इलायची के दाने मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर सोयियाँ ऐड कर दूँगी और हाई फ्लेम करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके पकने तक। सोयियाँ पक रही हैं, मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर ये ग्रेवी भी ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, सोयियाँ तकरीबन पक चुकी हैं। पूरे 5 मिनट बाद दूध बॉयल हुआ था और 7 मिनट में ये बन के तैयार हैं। 12 मिनट में सोयियाँ बन के तैयार हो गई हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध रखूंगी, बिल्कुल ड्राई अच्छी है। मैंने एक बाउल में निकाल ली है। अब मैं इसके ऊपर ये बादाम डाल दूंगी जो मैंने बारीक बारीक कट किए थे। आप और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आज मैंने आपको इसकी इजी और मज़े की रेसिपी बताई। आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और मोर वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।